अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ और मैं बीमार हो गई थी, तो अभी आपको बाकी के ब्लॉग में मैं बताऊँगी। अभी मैंने कुछ दवाइयाँ ऑर्डर की थी जो कि मुझे चाहिए थी, तो अभी आ गई हैं, तो मैं जल्दी से देख लूँगी कि जो जो चीज़ें मैंने ऑर्डर की थी एग्जैक्टली वही आई हैं, क्योंकि अक्सर होता है कि वो आपको कोई ऑल्टरनेटिव सेंड कर देते हैं या फिर कोई गलत इनकरेक्ट ऑर्डर भी अक्सर आ जाता है, तो चेक कर लें तो अच्छा रहता है। तो मैं अभी इनको चेक करूँगी और अगर कोई चीज़ गलत आ गई है या मेरे वो जो मैंने मंगवाई थी वो नहीं है, तो फिर उसको प्लेसमेंट की मैं रिक्वेस्ट डाल दूंगी। लेकिन इन ऐप्स ने लाइफ इतनी इजी बना दी है मेरी, अब मुझे हस्बैंड को कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इफ़ आई नीड एनी थिंग तो मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर लेती हूँ एंड विद इन 20 to 25 मिनट्स में मेरा ऑर्डर घर पर आ जाता है, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग। तो अभी मुझे ये कफ सिरप चाहिए था क्योंकि मुझे बहुत गंदी वाली कफ है, तो ये मैंने अपने लिए शुगर फ्री एक कफ सिरप मंगवाया है। पैनाडोल तो आपको पता है घर पे होनी ही होनी चाहिए। इसके अलावा ये है एंटी एलर्जी, क्योंकि मुझे एलर्जी भी है और आई डोंट नो किसी भी चीज़ से ट्रिगर हो जाती है, डस्ट से हो जाती है, फिर डिटर्जेंट से हो जाती है, और अगर मैं मुझे कोई परफ्यूम की स्मेल पसंद नहीं तो उससे भी मुझे एलर्जी हो जाती है, तो एंटी एलर्जी भी इट्स अ मस्ट मस्ट। तो बस वो ऑर्डर किया, साथ में ये मैंने एक सप्लीमेंट मंगवाया है बोन्स के लिए, तो दिस इज़ कैल्शियम प्लस वाइटामिन D3, तो इसमें 90 टैबलेट्स हैं, तो ये मैं और हस्बैंड डेली का एक एक लेंगे और ये 1 महीने का हो जाएगा पूरा। दवाइयाँ चाहिए थी वो मैंने ऑर्डर किया और अभी मैं इधर बना रही हूँ खाना, जिसमें है जो शिमला मिर्च कीमा। जल्दी से खाना रेडी करते हैं, फिर आई शेयर बैक स्टोरी के इतने 10-12 दिन में किधर गायब थी। जी खाना रेडी हो गया है और इसमें मैंने भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, गरम मसाला, थोड़ी सी कसूरी मेथी भी डाली थी और बस इसको दम दे दिया था। अभी अच्छे से कुक हो गई है, लास्ट में इसमें जाएगा जी हरा धनिया, और आज तेल तो इसमें बड़ा ही नाम ही है, दिख ही नहीं रहा। तो चलें जी, अच्छा है अगर कम है तो इसको कम ही रहने देते हैं, और ये हो गया है रेडी। साथ में मैंने थोड़ा सा रायता बनाया है और खीरा काटा है, और बस साथ में रोटी होगी, चपाती होगी, और वो खाएंगे। और अभी सही वाली गर्मियाँ आ गई हैं, तो बस गर्मियों में अब ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही होगी कि सब्ज़ियाँ ही खाएँ। तो बस ये हमारा खाना हो गया है रेडी, खाते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। तो जी आफ्टर आई थिंक 10 और 12 डेज़ के बाद, मतलब ईद पे जो मैंने लास्ट ग्रोसरीज की थी वो ईद पे की थी, और उससे पहले गई थी जब भी गई थी, और अब मैं जा रही हूँ ग्रोसरीज करने क्योंकि अब मैं बीमार थी। अच्छा मैं आपको बताती हूँ कि हुआ क्या था। जैसे ईद ख़त्म हुई तो मैं बीमार पड़ गई, और दिस टाइम इट वाज़ रियली 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 बैड कि मुझे समझ ही नहीं आया कि मुझे हुआ क्या है। आपको पता है रमज़ान में, अगर आपने मेरे व्लॉग्स फॉलो किए हैं तो आपको पता होगा कि रमज़ान के सेकेंड अशरे में भी मैं बहुत ज़्यादा बीमार हुई थी, और तब भी मुझे 7 से 8 दिन लग गए थे रिकवर करते करते, और फिर अभी मैं दोबारा बीमार हो गई राइट आफ्टर ईद। तो फिर वो मेरे लिए ज़्यादा परेशानी की बात थी कि अभी मैंने एंटीबायोटिक का कोर्स किया और अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, अगेन मेरा थ्रोट इन्फेक्शन वॉज़ वेरी बैड, और चेस्ट इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा था। और इसके अलावा दिस टाइम मुझे फ़ीवर नहीं हुआ, लास्ट टाइम मुझे फ़ीवर बहुत ज़्यादा हुआ था।
तो फिर मुझे था कि मुझे अब इसको इस तरह रिकवर करना है, मुझे एंटीबायोटिक्स नहीं लेनी, मुझे डॉक्टर पे नहीं जाना, क्योंकि वो फ़ौरन से आपको एंटीबायोटिक रिकमेंड कर देते हैं और इतनी ज़्यादा एंटीबायोटिक लेना इट्स नॉट सेफ़। हाँ, अगर आपको इस साल में एक दो बार आप बीमार हो रहे तो तब आप ले लेते हो, लेकिन अगर आप एक महीने अब भी नहीं आपको हुआ और आपको दोबारा कोर्स करना पड़ रहा है तो इट्स नॉट राइट। तो फिर मुझे था कि मैं खुद से ही ठीक हो जाऊंगी और मैं आई वॉज़ टेकिंग पैनाडोल। अभी सुबह भी आपने देखा मैंने पैनाडोल ली, मंगवाई, कफ सिरप मंगवाया, वो मैं ले रही थी, साथ में मैं कहवा हो गया, इस तरह की चीज़ें ले रही थी जिससे मुझे मैं रिकवर करूँ नेचुरली और मुझे एंटीबायोटिक ना लेनी पड़े। और फिर मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया एंड गला बहुत ख़राब था, बहुत पेन थी दिस टाइम गले में। आई डोंट नो इतना क्यों हो रहा है, क्योंकि जी इस साल के शुरू में जनवरी में मैं बहुत ज़्यादा बीमार हुई थी एंड दैट वाज कोविड, और उसके बाद से मेरी इम्यूनिटी इतनी वीक हो गई है कि मुझे कुछ भी आए, किस कोई मेरे पास आके छींक भी मारते तो अदर डे मैं बीमार हो जाती हूँ। और मुझे ऐसा ही लगता है कि मैं ईद के दिनों में जब बाहर गई थी तो ऐसा हुआ था कि कोई मेरे पास था और उसने स्नीज़ किया था और फिर मुझे उसके दो एक दो दिन बाद ही मैं बीमार पड़ गई। तो अभी उसके बाद इम्यूनिटी मेरी इतनी वीक हो चुकी है कि मैं बहुत जल्दी बीमार पड़ जाती हूँ, और मुझे फिर अकेले रहना, फिर खुद को देखना, घर को देखना, और आपको देखने वाला कोई ना हो तो फिर बहुत परेशानी होती है। तो इट टुक मी सो लॉन्ग कि मैं नेचुरली ही रिकवर किया, मैंने सिरप पी लिया जब मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत लगती थी, बस रात में सोते वक्त, कि मैं रात में सुकून से सोती, दिन में मैं कोई सिरप नहीं ले रही थी, और पैनाडोल भी सिर्फ रात में एक टाइम ले रही थी कि बस मैं नेचुरली ही अपने आप को ठीक करूँ। रेस्ट किया मैंने और मैंने परहेज़ किया कि ठंडा नहीं पीना, ऐसी चीज़ें नहीं खानी, दूध, डेयरी, सब चीज़ें मैंने माइनस कर दी जिससे आपको आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो। तो फिर उससे परहेज़ करके मैंने 10 डेज़ लिए अप्रॉक्सीमेटली ख़ुद को ठीक करने में। तो खैर, जब भी मैं आई हूँ ग्रोसरीज लेने के लिए और एक दो दिन पकाती थी, फिर एक दो दिन नहीं पकाती थी, और इसी तरह सीन चल रहा था, तो मैंने कहा अब जाकर ले लेते हैं। सो जी अलहमदिल्ला डन विद ग्रोसरीज, और यहाँ पे मैं सेल्फ चेकआउट पे आई थी तो यहाँ पे स्टाफ ने बोला वो कर देता है मेरी हेल्प, तो मैंने कहा चलो भाई ये तो बेस्ट हो गया। और ग्रोसरीज मैं ऑनलाइन तो मंगवाती हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आप एक स्पेसिफिक ब्रांड यूज़ करते हो, आपको वही चीज़ें चाहिए होती हैं, मसाले हो गए, सॉस वगैरह हो गई, फ्रूट्स, स्पेशली फ्रूट्स तो आपको लेने ही खुद जाना पड़ता है। तो मेरे महीने में दो चक्कर तो मस्ट हैं जो कि मेरे होते ही होते हैं फॉर ग्रोसरीज, लेकिन ये है कि ज़्यादातर चीज़ें ऑनलाइन भी आ जाती हैं, ऑनलाइन ही मेरी ज़िंदगी बहुत आसान कर दी है, लेकिन काफ़ी चीज़ों के लिए आपको खुद भी बाहर जाना पड़ता ही पड़ता है। तो बस यहाँ पे वो सब चीज़ें स्कैन कर रहा है और मैं इंतज़ार कर रही हूँ हस्बैंड का, क्योंकि वो बिज़ी हैं फ़ोन पे, और आज जितनी देर मैंने ग्रोसरीज की हैं हस्बैंड नॉन स्टॉप वो फ़ोन पे ही थे, तो मुझे लगा ही नहीं था कि आज मेरे साथ वो आए हुए, मुझे ऐसा लगा था मैं अकेली आई नहीं हूँ। तो खैर जी, यहाँ पर उसने कर दिया सारी स्कैनिंग डन, अभी वो बैग्स में डाल रहा है, तो बस इस वीक की जो ग्रोसरीज थी वो हो गई हैं डन, और अभी मुझे 1 घंटा भी नहीं हुआ स्टोर में आए हुए एंड आई फील सो टायर्ड, और मेरी एनर्जी बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी है। हालांकि मैं खाना खा के घर से निकली थी, लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा वीकनेस हो जाती है मुझे कि मुझे पसीने भी आने लगते हैं और इतनी हेल्थ ख़राब हो गई है। और मैं ऐसी बंदी थी कि मैं बहुत कम बीमार होती थी, लेकिन जब से जनवरी में बीमार हुई हूँ मैं इतनी जल्दी बीमार हो जाती हूँ, मेरी एनर्जी बिल्कुल भी नहीं रहती मेरे में, मैं कुछ भी काम करती हूँ तो बहुत ब्रेक्स ले लेके करती हूँ, और पता नहीं इसको क्या बोलें, नज़र है या आपकी हेल्थ इतनी इफ़ेक्ट हो गई है कि अब आप में एनर्जी रहती ही नहीं। इवन कि मैं बिल्कुल अकेली होती हूँ, मेरे बच्चे नहीं हैं, मेरे पास कोई इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है, लेकिन स्टिल आई फील सो टायर्ड। और बस अब मुझे अपनी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है अपनी हेल्थ को बेहतर करने के लिए, क्योंकि यार
कहते हैं ना, जान है तो जहान है, ये हम पढ़ते थे बचपन में, तब इस फिक्रे को समझने की ना समझ ही नहीं थी आपको, लेकिन अब ये चीज़ें समझ आ गई हैं कि जान है तो जहान है, सेहत हज़ार तंदुरुस्ती है, और ये वो इस तरह की जो लाइंस होती थी, हेल्थ इज़ वेल्थ, ये सारी चीज़ें अब समझ में आती हैं कि वाकई ये चीज़ें, ये जो फिक्रे थे या ये जो मुहावरे होते थे, फ्रेजेस होती थी, ये वाकई इनकी कितनी वैल्यू और कितने मीनिंगफुल हैं, ये इनके अब मतलब समझ में आए जो कि हम नहीं समझ पाते थे बचपन में। तो खैर जी, ग्रोसरीज हो गई हैं डन, अभी मैंने जो सीरप मंगवाया था उससे मुझे लगता है मैंने उसके बड़े सारे इंग्रेडिएंट्स वगैरह, सॉरी अभी मेरा गला बहुत ख़राब है, तो मैंने वो पढ़े तो मैं उससे इतनी हैप्पी नहीं हूँ, तो मुझे लगा कि रात में, क्योंकि कफ मुझे रात में ही बहुत ज़्यादा होती है, और अगर आपको रात में कफ आती है आप सो ही नहीं पाते, तो मैंने कहा जो मैं सीरप लेती हूँ मैं वही रुक कर ले लेती हूँ, एटलीस्ट मुझे पता है उससे पीकर मुझे सुकून भी रहता है और मुझे नींद भी अच्छी आती है, अगर आपको नींद अच्छी आएगी तो फिर आपको कफ भी नहीं आएगी। तो वो लेने के लिए मैं आ गई हूँ अगेन फार्मेसी, और बस यहाँ पर मेरी फॉली टैब भी ख़त्म थी, मैंने कहा वो भी मैं ले लेती हूँ, तो बस यहाँ से ये चीज़ें लेते हैं और फिर जाते हैं घर को। एंड दिस इज़ लाइफ आजकल, तो कसम से जैसे आप 30 क्रॉस करते हो तो हेल्थ इश्यूज़ और पता नहीं क्या क्या आपकी लाइफ में और ऐड ऑन हो जाता है, और बहुत सी फन और अच्छी वाली चीज़ें ना माइनस हो जाती हैं। तो खैर, दिस इज़ लाइफ, ब्लॉग एंड कर देते हैं, आपसे मिलेंगे कल, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी, स्टे पॉजिटिव।